आप सबों को जय मसीह की। जिस प्रकार से हमें पहले से देखते आए हैं कि किस प्रकार से पाप बढ़ते गए और वो पाप कैसे कैसे भयंकर रूप लेते गए और हमारे जीवन को तबाह करते जा रहे हैं, तो ये जो इनविटेशन है ये मामूली इनविटेशन नहीं है। आज मैं अगर मैं आपसे कहूँगी मेरी शादी होने वाली, तो आप लोगों के चेहरे पे खुशी होगी, है ना, कि दावत होने वाली है, इसकी शादी होने वाली, मतलब कि बहुत से थिंकिंग आएंगे आपके में कि मैं उसकी शादी में जाऊंगी तो मैं क्या पहनूंगी, क्या वहाँ मिलेगा, कैसे रहेंगे, क्या होगा, मतलब एक उत्साह जो हमारे जीवन को इनविटेशन नाम से ही, निमंत्रण नाम से ही एक उत्साहित बना देता है हमारे जीवन को। उसी प्रकार जब परमेश्वर पिता हमसे बोलते हैं, बातें करते हैं कि मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि तुम मुझे अपना बोझ को सौंप दो, मगर हम उस बोझ को सौंपते नहीं है, बल्कि उस बोझ में और डूबते जाते हैं और वो बोझ हमको इतना प्रभावित कर देता है, वो बोझ से हम दब के मर जाते हैं। मर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ उपाय नहीं होगा, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम चिंता में डूबते जाते हैं, अपने हेल्थ को नहीं देखते हैं और हम क्या सोचते हैं कि एक ना एक दिन ये चीज हट जाएगा, मगर आपको भी काम करना है। क्या काम करना है? प्रभु के पास आना है, प्रभु से माफी मांगना है कि प्रभु जो भी अनजाने में, भूल में, या फिर मैंने गलती से पाप किया हो, या फिर मैं जानबूझ के पाप किया थी, तो वो पाप को मैं आपके समक्ष और आपके सामने उस पाप को डाल देती हूँ कि मैं फिर से पाप ना करूँ। ये ध्यान रखिएगा, फिर से पाप ना करूँ। हम बार बार इस चीज को बोलते हैं, प्रभु मैं आज के बाद ये पाप छोड़ दूंगा, ये पाप मैं छोड़ दूंगी। चुगली करने का पाप, ये भी पाप है, मर्डर है, ये कि एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, उसके पास इतना क्यों आ गया है, मेरे पास क्यों नहीं आया है। हम आज बच्चों के में भी ये चीज डाल रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं कि उसका परसेंट आ गया है, तेरे को इतना लाना था, मार देते हैं, तो ये पाप है। हम 30%, 40%, 50% ये पाप करते जा रहे कि बच्चों के अंदर में भी ये पाप डाल रहे, तू क्यों नहीं पढ़ता है, तू उसके जैसे क्यों नहीं पढ़ सकता। परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि दी है, हर एक को एक समान बनाया है, मगर कोई उसमें अच्छा है, कोई निपुण है, कोई नहीं हो पाता है। मगर परमेश्वर जो मछुआरों को अपने पीछे ले चलने के लिए बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, फॉलो करो, तो वो सब काम को छोड़ के चले जाते हैं। फिर भी परमेश्वर ने उनके सब चीजों को आशीष दिया, क्योंकि वो अपने जीवन को परमेश्वर को दे रहे हैं। ये नहीं बोलते परमेश्वर कि तुम अपने बोझ को अपने ऊपर डाल के मेरे पीछे हो लो, वो बोलते छोड़ दो, वहीं पे फेंक दो, अब मेरे पीछे हो लो, मगर हम उस बोझ को फिर से पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कि नहीं, हम तो क्या करेंगे, इसको नदी में बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या नदी पानी शुद्ध कर सकता है? प्रभु का लहू ही हमको शुद्धता में लाता है और शुद्ध कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है, न साबुन, न डिटर्जेंट, न कुछ। और परमेश्वर ये बोलते हैं कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूँगा। तो हमको बार 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 प्रभु पुकारते हैं कि बेटा मैं तेरे अंदर आ जाऊँ, बेटी मैं अंदर आ जाऊँ, मगर हम अपने हृदय का द्वार को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और संसारिक बातों में मगन हो जाते हैं। उसके पास ये है, उसके पास वो है, मतलब कि बहुत सारी गंदी आदतों को अपना लेते हैं, गंदे विचारों को अपने जीवन में अपना लेते हैं। ये पाप है, ये सारे पाप हम रोज करते हैं, तो क्या परमेश्वर पिता हमें रोज माफ करते हैं? हाँ, माफ करते हैं कि एक ना एक दिन मेरी बेटी या एक ना एक दिन मेरा बेटा मेरे पास जरूर आएगा, मगर जब पाप का घड़ा फूट जाता है तो परमेश्वर पिता भी अपना मुख हमारे ओर से मुख फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बार चेतावनी दी है कि अपना सारा चीज छोड़ के मेरे पीछे हो लो। जब परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है तो हम उस आज्ञा को पालन नहीं करते। जब बोल रहे हैं सारे
तुम्हारे कोप से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम उस विश्राम को छोड़ के दूसरे विश्राम में जो कि सुख शांति जो संसार की है जो शैतान की है उसमें हम चले जाते हैं कि हम अगर ये गाना सुनेंगे बहुत अच्छा लगता है, ये संसारिक गाना है तो मतलब कि बहुत रोमांटिक गाना है या फिर बहुत ही अच्छे गाने हैं, मतलब कि ये डीजे वाला गाना है तो मतलब कि मेरे दिल को सुकून देता है, ये गलत है, ये पाप में आप डूबते जा रहे हैं। क्या प्रभु का गाना भी अच्छा गाना नहीं है? क्या प्रभु की बातें जो वचन जो आपको दिया गया है उसको पढ़ने से आपको शांति मिलेगी, उसको पढ़ने से भी शांति मिलेगी, और जो वचन और जो आपने गाना गाया या गाना सुना प्रभु का वो आपके लिए आत्मिक जल है, वो जल जो कभी सूखता नहीं, वो जल कभी हमको प्यास फिर से लगने नहीं देता है, क्योंकि वो हमें तृप्त करता है। किससे तृप्त करता है? आत्मा से। और जब हम पे परमेश्वर की आत्मा आ जाती है तो सारे बोर सारे तकलीफ एक तरफ और सारे चीज जो परमेश्वर की ओर ताकते हुए हम चलते जाते हैं तो सारे चीज हमारे पूरे सब चीज सफल होते जाते हैं। बस एक शर्त है कि पाप से दूर रहो, पाप से परमेश्वर मुक्त कर चुके हैं, ये मत सोचिए कि नहीं किए हैं, उन्होंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया है, अब वो कीमती लहू हम अभी भी बह रहे हैं, फिर भी हम उसके पास आके भी लहू लेते हैं, फिर उस लहू को छोड़ के फिर से हम गंदगी में चले जाते हैं। सुअरों के सामने मोती मत जाओ, तो सुअर जब हम उसको नहला देते हैं फिर से हम उसको अच्छे से कपड़ा पहना देंगे, मगर फिर से वो क्या करेगा, देखे का बाहर गेट खुल गया है तो वो फिर से गंदगी में कीचड़ में दलदल में फिर से लौटने चले जाएगा। वैसे ही आज हमारा जीवन हो गया है, हम बोलते कुछ और है करते कुछ और है। आज की समय है, आज इनविटेशन दे रहे प्रभु कि आपको आना है तो आइए, नहीं तो फिर जब दरवाजा बंद हो जाएगा किसी के लिए नहीं खुलेगा। ये चेतावनी है, इनविटेशन भी है, और ये आज आपको निर्णय लेना है कि आप वहाँ पे खड़े हैं। अगर आज आप ये वचन को सुन भी रहे हैं और ग्रहण भी कर रहे हैं मगर फिर से ये वचन को भूल के संसारिकता में चले जाएंगे तो ये परमेश्वर आपको उसी समय बताएंगे जो मृत्यु की बुक में आपका नाम चलता है। ये चेतावनी भी है, इनविटेशन भी है। आज आपको जानना है कि आप किस राह में जा रहे हैं, और प्रभु जब हमको बुलाते हैं तो पूरा बुलाते हैं संपूर्ण मन से देह प्राण आत्मा से, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है चाहे वो किस भी शेप का भी हो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमको छुटकारा दिया है इसलिए कि हम जाके लोगों को प्रचार करने वाले हो। आज आप तक सीमित है वचन, मगर आपको बोले जाओ तुम भी दूसरे को मेरे वचन को सुनाओ। हम अपने तक क्यों सीमित रखते हैं? हमको अपने तक सीमित नहीं रखना है कि ये मेरे परिवार के लिए, ये वचन मेरे परिवार के लिए, ये यहाँ तक नहीं ठहरता है। आज आपको चुने हैं, कल किसी और को चुनेंगे, परसों किसी और को चुनेंगे, क्योंकि आप उनका काम को नहीं कर रहे। तो ये आपके लिए निमंत्रण भी है, चेतावनी भी है, और आपको डिसीजन लेना है अभी के अभी कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, क्योंकि ये पल पल का समय है, क्योंकि कब आ जाएंगे चोर के नाइट प्रभु किसी को नहीं पता है। चुपके से दबे पांव आके जिसने प्रभु में विश्वास ही है, जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु के वचनों में चलते हैं, उनको वो परमेश्वर पिता अपने बादलों में उठा के ले जाएंगे, और जितने मरे हुए हैं जो विश्वासी है वो भी जिंदे हो जाएंगे। तो अंत का समय बहुत निकट है प्रियो, और आपको और मुझे प्रभु को अपनाना है, प्रभु के वचनों में चलना है, क्योंकि ये भयंकर बात है, आज नहीं तो कल कभी नहीं हो पाए। प्रभु का धन्यवाद।